Hello all and welcome to this session of my English class. Today we are going to read the new chapter of your book Yes We Can. आज मैं मानसी आपको आपकी बुक का नया चैप्टर Yes We Can ये पढ़ाने वाली हूँ. Yes We Can इसका मतलब क्या हुआ? Yes मतलब हाँ और We Can, We का मतलब होता है हम और Can हम कब लगाते हैं? जब हम कोई चीज कर सकते हैं तब हम Can इस शब्द का यूज कर सकते हैं. ठीक है ना? तो यस वी कैन यानी कि हाँ हम कर सकते हैं. तो ये किस तरह का जो है टाइटल हुआ चैप्टर का आप भी सोच में पड़ गए होंगे. बट ये छोटी सी एक स्टोरी है दो फ्रेंड्स की और किस तरह से एक जो फ्रेंड है वो दूसरी फ्रेंड को मोटिवेशन देती है कुछ करने के लिए. तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स रीड द स्टोरी यस वी कैन. So as you can see, this is the chapter 15 of your book. Yes, we can. हाँ, हम कर सकते हैं. हम chapter reading start करते हैं. Veena and Shalu are good friends. Both are excited to take part in a sports rally, which is going to be held at school in the next month. Veena is a good badminton player, whereas Shalu is good at racing. Shalu is a bit upset because she is having a leg injury, which is the cause of worry for her performance in the upcoming event. तो वीना और शालू इन दो फ्रेंड्स की कहानी है. ये कहानी क्या, एक छोटी सी उनकी लाइफ की घटना है उसके बारे में ये चैप्टर है. वीना एंड शालू आर गुड फ्रेंड्स मतलब कि वीना और शालू बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स है, बहुत ही अच्छी सहेलियां हैं. बोथ आर एक्साइटेड टू टेक पार्ट इन अ स्पोर्ट्स रैली Which is going to be held at school in the next month. दोनों ही बहुत ज्यादा उत्साहित हैं. Excited यानी कि उत्साहित होना. दोनों बहुत ज्यादा उत्साहित हैं क्योंकि अगले महीने उनके स्कूल में next month है ना, अगले महीने उनके स्कूल में एक जो है स्पोर्ट्स रैली होने वाली है और उसमें वो लोग भाग लेने वाले हैं. ठीक है ना? तो इसके लिए वो बहुत ज्यादा उत्साहित है. Both are excited to take part in a sports rally यानी कि दोनों बहुत उत्साहित है भाग लेने के लिए एक स्पोर्ट्स रैली में, विच इज गोइंग टू बी हेल्ड एट स्कूल जो कि उनके स्कूल में होने वाली है इन द नेक्स्ट मंथ अगले महीने. वीना इज अ गुड बैडमिंटन प्लेयर वेयर एज शालू इज गुड एट रेसिंग. वीना एक बहुत ही अच्छी बैडमिंटन की खिलाड़ी है जबकि शालू जो है एक शालू बहुत ही अच्छी है रेसिंग में, रेस लगाने में, दौड़ में अच्छी है वो. शालू इज अ बिट अपसेट बिकॉज शी इज हैविंग अ लेग इंजरी Which is the cause of worry for her performance in the upcoming event. लेकिन क्या है कि शालू थोड़ी सी अपसेट है, थोड़ी सी परेशान है क्योंकि she is having a leg injury, क्योंकि उसको एक पैर में इंजरी हुई है, पैर में चोट लगी हुई है. Which is the cause of worry for her performance in the upcoming event. जिसकी वजह से वो उसकी परेशानी का ये कारण है कि उसके पैर में चोट लगी हुई है और जिससे उसको बहुत ज्यादा वो परेशान ये है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसे होगी, वो किस तरह से खेल पाएगी, दौड़ पाएगी. तो अपनी परफॉर्मेंस को लेके वो बहुत ज्यादा चिंतित है इन द अपकमिंग इवेंट यानी कि जो आने वाला इवेंट है परफॉर्मेंस कैसा रहेगा ये सोच के वो बहुत ज्यादा चिंतित है और दुखी है. वीना व्हाई आर यू अपसेट. वीना पूछती है कि तुम इतनी अपसेट क्यों हो, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो. शालू वीना आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट्स रैली बट ड्यू टू इंजरी इन माई लेग आई एम नॉट कॉन्फिडेंट whether I will be able to take part in it or not. तो शालू उसे अपनी दिल की बात बताती है, अपनी फ्रेंड को कहती है वीना I want to participate in the sports rally. मतलब मैं जो हूँ मैं स्पोर्ट्स रैली में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, मैं स्पोर्ट्स रैली में हिस्सा लेना चाहती हूँ, भाग लेना चाहती हूँ. बट ड्यू टू इंजरी इन माई लेग लेकिन मेरे पैर में जो चोट लगी हुई है इसकी वजह से I am not confident. मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल बिल्कुल भी विश्वास नहीं है whether I will be able to take part in it or not कि मैं इसमें पार्ट लेने में, मैं इसमें भाग लेने में जो है सक्षम भी हो पाऊंगी या नहीं, कि मैं इस रैली में भाग ले भी पाऊंगी या फिर नहीं. वीना, अब वीना अपनी फ्रेंड को जो है मनोबल देती है, उसको उसका कॉन्फिडेंस वापस लाने की कोशिश करती है. वीना बोलती है डियर फ्रेंड डोंट बी अपसेट. Have you not heard the name of Arunima Sinha, the famous mountaineer?
वो उसको अब अरुणिमा सिन्हा के बारे में बताती है, डियर फ्रेंड डोंट बी अपसेट, प्यारी सहेली प्यारी दोस्त तुम जरा भी अपसेट मत हो, जरा भी परेशान ना हो, दुखी ना हो। हैव यू नॉट हर्ड द नेम ऑफ अरुणिमा सिन्हा द फेमस माउंटेनियर, क्या तुमने जो है अरुणिमा सिन्हा का नाम नहीं सुना है। हर्ड यानी कि सुनना, हियर जो शब्द होता है ना सुना, उससे ही ये हर्ड शब्द बना है, हियर का सेकेंड फॉर्म है हर्ड। तो क्या तुमने अरुणिमा सिन्हा का नाम नहीं सुना है, द फेमस माउंटेनियर, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध माउंटेनियर, माउंटेनियर कौन होता है, जो पर्वतारोही होते हैं उनको बोलते हैं, द फेमस माउंटेनियर, प्रसिद्ध जो माउंटेनियर है पर्वतारोही है, क्या तुमने अरुणिमा सिन्हा का नाम नहीं सुना है। शालू कहती है नो आई हैवेंट, हु इज शी, शालू कहती कि नहीं आई हैवेंट, हैवेंट क्या है, आई हैव नॉट यानी कि नहीं मैंने नहीं सुना, हु इज शी ये कौन है। She is a national level volleyball player. She was pushed out from a running train by some robbers. She was badly injured. So one of her leg was amputated. So ab Veena Shalu ko batati hai Arunima Sinha ke bare mein. Wo kehti hai, she is a national level volleyball player. Ki wo ek antarrashtriya, wo ek rashtriya level ki volleyball player hai. Volleyball ek game ka naam hai. To volleyball ki khiladi hai. She was pushed out from a running train by some robbers. अब उसके साथ कितना बुरा हुआ आप सोचिए, उसको धक्का दे दिया कुछ robbers ने, यानी कि जो लुटेरे होते हैं उन्होंने उसको चलती ट्रेन से धक्का दे दिया अरुणिमा सिन्हा को। She was badly injured, बुरी तरह से वो जख्मी हुई। So one of her leg was amputated. तो इसीलिए उसका एक जो leg था, एक पैर था, वो काट दिया गया था। Amputated मतलब कि कोई अंग, शरीर का अंग जो है वो जब काट दिया जाता है उसको बोलते हैं एम्पिटेटिव। शालू ओ इट्स सैड, तो शालू कहती है ओ ये तो बहुत ही बुरा हुआ, बहुत ही दुख की बात है। वीना इन स्पाइट ऑफ दिस शी क्लाइम द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स एंड मेड अस प्राउड, तो वीना उसको बताती है कि लेकिन इसके बावजूद, इन स्पाइट का मतलब होता है बावजूद, इसके बावजूद भी शी क्लाइम द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स, उसने जो दुनिया की सबसे ऊंची जो पीक्स है यानी कि चोटी, पर्वत की जो चोटी होती है उसको जो है उसको चढ़ा, वो वहां पे चढ़ी और मेड अस प्राउड, और हमको जो है प्राउड फील करवाया उसने हमको, यानी कि एज इंडियंस हमको गर्वान्वित जो है महसूस करवाया, प्राउड करवाया। शालू कहती है वंडरफुल दिस शुड बी द स्पिरिट, तो शालू को भी थोड़ा सा उससे उत्साह आता है बात सुन के, कहती कि वंडरफुल ओ बहुत ही अच्छी बात है, तो ये यही स्पिरिट होनी चाहिए सब में, यानी कि ऐसा ही उत्साह और इसी तरह का जो है मनोबल होना चाहिए। नॉट ओनली शी बट भारत कुमार अ पैरा स्विमर, सुधा चंद्रन भरतनाट्यम डांसर ऑल्सो बिकेम फेमस इन देयर फील्ड्स इन स्पाइट ऑफ देयर डिसेबिलिटीज, तो वीना और लोगों के बारे में भी उसको बताती है कि नॉट ओनली शी, सिर्फ वही नहीं बट भरत कुमार अ पैरा स्विमर, पैरा स्विमर पैरा यानी कि जो लोग जो है उनको किसी भी तरह की विकलांगता होती है तो उनके लिए पैरा ओलंपिक्स होते हैं, तो वो ये विशेष तरह की ओलंपिक्स होती है जहां पे इस तरह के कोई भी विकलांग टाइप के लोग जाते हैं और उनके लिए ये जो है कॉम्पिटिशन होते हैं। तो जो भरत कुमार है वो भी एक ऐसे ही पैरा स्विमर है, स्विमिंग करते हैं, तैराकी करते हैं। तो सिर्फ वही नहीं भरत कुमार, लेकिन भरत कुमार जो कि एक पैरा स्विमर है, सुधा चंद्रन भरतनाट्यम डांसर, सुधा चंद्रन बहुत ही फेमस है, काफी सारे और काफी पुरानी है, सीरियल्स वगैरह में भी आती हैं, अब तो काम करती हैं और बहुत ही अच्छी एक भरतनाट्यम की डांसर है, नृत्य करती है भरतनाट्यम का, ऑल्सो बिकेम फेमस इन देयर फील्ड्स इन स्पाइट ऑफ देयर डिसेबिलिटीज, तो ये लोग भी हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुए अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने फील्ड्स में, अपनी जो है डिसेबिलिटीज के होते हुए भी। डिसेबिलिटीज यानी कि जो हमें कमियां होती हैं, अक्षमताएं होती हैं, उसको डिसेबिलिटीज कहा जाता है। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट अगले सेशन में पढ़ते हैं, आइए देखते हैं इसका जो है और आगे का कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस के पार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन इज विच इवेंट वॉज गोइंग टू बी हेल्ड इन द स्कूल, यानी कि स्कूल में विद्यालय में कौन सा इवेंट होने वाला था। A sports rally was going to be held in the school next month. यानी कि एक sports rally, खेल की एक rally होने वाली थी अगले महीने जो है school में। Why was Shalu upset? Shalu upset क्यों थी? Shalu परेशान क्यों थी?
Shalu was upset because she had injured her leg. She was worried about her performance in the event. So Shalu was upset thi kyunki uska jo pair tha wo injured ho gaya tha, wo chot khaya hua tha. She was worried about her performance in the event. So isliye wo pareshan thi ki uska performance kaisa hoga, wo kis tarah se jo hai apni race wagaire mein participate kar payegi event pe, is cheez ko leke wo chintit thi. Who inspired Shalu to take part in the sports rally and how? क्वेश्चन है कि शालू को स्पोर्ट्स रैली में हिस्सा लेने के लिए किसने इंस्पायर किया, किसने प्रेरित किया, और हाउ का मतलब होता है कैसे, और कैसे किया ये. शालूज फ्रेंड वीना इंस्पायर्ड हर टू टेक पार्ट इन द स्पोर्ट्स रैली. शालू की सहेली वीना ने उसको प्रेरित किया स्पोर्ट्स रैली में भाग लेने के लिए. शी गेव एग्जाम्पल्स ऑफ सम फेमस पीपल हु अचीव ग्रेट सक्सेस इन देयर फील्ड इन स्पाइट ऑफ देयर डिसेबिलिटीज. तो उसने, जैसे कि अभी हमने चैप्टर में पढ़ा भी था, उसने जो है शालू को कई सारे एग्जाम्पल्स दिए, उदाहरण दिए बहुत ही प्रसिद्ध लोगों के जिन्होंने अपने अपने फील्ड में जो है अपनी डिसएबिलिटीज के होते हुए भी, अपनी अक्षमताओं के होते हुए भी बहुत ही जो है नाम कमाया और बहुत सफलता हासिल की. ऐसे लोगों के उदाहरण देकर उसको प्रेरित किया. इट गेव अ लॉट ऑफ करेज एंड कॉन्फिडेंस टू शालू. तो इससे जो है शालू को बहुत ज्यादा साहस मिला और उसको जो है करेज मिला, इससे कॉन्फिडेंस भी मिला, आत्मविश्वास भी उसका बढ़ा इससे. हाउ डिड शालू फील एट द एंड ऑफ द स्टोरी एंड व्हाट डिड शी से. स्टोरी के एंड में शालू को कैसा फील हो रहा था, शालू कैसा महसूस कर रही थी, और आखिर में वो क्या कहती है. शालू वॉज वेरी कॉन्फिडेंट इन टेकिंग पार्ट इन द इवेंट एंड गिव हर बेस्ट. शी सेड दैट शी वुड वर्क हार्ड. तो शालू अब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई थी, उसको बहुत ज्यादा अब जो है विश्वास आ गया था अपने ऊपर कि वो इन टेकिंग पार्ट इन द इवेंट, कि वो अब जो है इवेंट में पार्ट ले सकती है, हिस्सा ले सकती है. एंड गिव हर बेस्ट, और अपना सबसे जो बेस्ट है, सर्वोत्तम है, वो दे सकती है. शी सेड दैट शी वुड वर्क हार्ड, और उसने, वो कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत करेगी. व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी. इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है. द लेसन टीचेस अस दैट वी मस्ट नॉट फील डिस्करेज्ड by any injury or disability. We must focus on our ability and work hard to get success in it. So, is lesson se hame ye shiksha milti hai ki we must not feel discouraged. Hame kabhi bhi discouraged nahi hona chahiye. Apna jo vishwas hai, apna sahas hai, wo khona nahi chahiye by any injury, kisi bhi tarah ki chot se ya fir kisi bhi tarah ki disability se. Agar hame koi akshamta hai to bhi. We must focus on our ability. Hame apni ability pe, hum jo kar sakte hain, है ना, जो हमें अच्छाइयां है उस पर फोकस करना चाहिए, उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. एंड वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस इन इट, और बहुत ही कड़ी मेहनत करनी चाहिए ताकि उसमें हमें सफलता हासिल हो. अब देखिए ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट है कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड. शालू इज गुड एट रेसिंग. शालू रेसिंग में अच्छी है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, सही है. वीना इज अ गुड बैडमिंटन प्लेयर. वीना एक बहुत अच्छी बैडमिंटन की प्लेयर है. This is also true. ये सही statement है. Arunima Sinha is a basketball player. तो this statement is false. वो basketball player नहीं है. भरत कुमार is a para swimmer. True. भरत कुमार एक para swimmer है. ये option सही है. We all have some special qualities. This is also true. क्या मतलब हुआ इसका, कि हम सब में कुछ ना कुछ जो है बहुत ही विशेष गुण होते हैं, qualities होती हैं. बस जरूरत होती है उसको पहचानने की. So this sentence is also true. तो बच्चों आज हमने क्या सीखा. हमने सीखा कि हमें किसी भी तरह के चैलेंजेस जब आते हैं हमारे लाइफ में, तो अगर चोट लगी है, कुछ भी है, अगर कैसी भी परिस्थिति है, तो हमें हार नहीं माननी है, हमें डट के उसका मुकाबला करना है और अपना बेस्ट देना है. आज का सेशन हमारा यही फिनिश होता है. विल सून मीट इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन बाय. हैव अ नाइस डे. थैंक यू. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.